रंग जाऊं तेरे रंग में, रंग जाऊं तेरे रंग में। ये ले दानी, जूस पी ले बेटा। पता नहीं सृष्टि की किस्मत को क्या हो गया, अब तो वो सुधर गई पर फिर भी एक के बाद एक उसके साथ हादसे हो रहे हैं। अपना बच्चा खो चुकी है फिर भी कितने प्यार से तेरे लिए जूस बनवाया। एक सेकेंड, आपने क्या कहा? किसने बनाया जूस? बनाया तो हमने ही है, सृष्टि ने तो सिर्फ मिक्सर चलाया था। हम ये जूस नहीं पियेंगे। क्यों? जिस किसी भी चीज को दीदी ने हाथ लगाया उसे हम नहीं छुएंगे। खानी फिर शुरू हो गई तुम। ध्रुव जी, अगर आप सबको अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर बैठना है तो बैठिए, लेकिन हम दिखती हुई मक्खी को नहीं निगल सकते, खास करके तब जब भगवान हमें संकेत दे रहे हैं। ना ठीक, हमारे जूस पीने से पहले आग कैसे लगती? धानी तेरी प्रॉब्लम क्या है, क्यों हमारे पीछे पड़ी रहती है तू हमेशा? जब तक आपकी नौटंकी खत्म नहीं होगी ना, तब तक हम आपके पीछे पड़े रहेंगे। नहीं बच्चा, दो बहनों को अपने मन की भड़ास निकाल लेने दो आपस में। चुप करो तुम दोनों, हो क्या गया है तुम्हें? अरे पहले तुम दोनों एक दूसरे पे अपनी जान छिड़कती थी और अब एक दूसरे की जान लेने पे उतारू हो। मम्मी हम कहाँ कुछ बोल रहे हैं, बल्कि हम तो अपनी तकलीफें भूलकर दादी की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं बस। आप सबके लाडले ना उसको सर चढ़ा रखा है, अभी अभी हमने अपना मंगेतर खोया है, हम दुख से उभर भी नहीं पा रहे थे और धानी ने हम पे हाथ उठा दिया, इतना घटिया इल्जाम लगाया हम पे, फिर भी हम चुप रहे, हमने कुछ भी नहीं कहा, फिर भी ये हमारे ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहे, आप ही ने रॉकी का खून किया है। चुप, बस एकदम चुप। अपने ही ससुराल में अपने रिश्तों का मजाक बना रही है तू दानी। हम मजाक नहीं बना रहे माता रानी, मजाक तू ये बना रही है। आप हमारी बात मानिए, जरूर इसमें उन्होंने कुछ ना कुछ तो मिलाया है। किसी ने अगर ग्लास देख लिया या धानी ने किसी तरह साबित कर दिया कि जूस में पपीता है तो दिक्कत हो जाएगी। धानी ठीक है, धानी अगर तुम्हें लगता है कि सृष्टि ने जूस के बीच में कुछ मिलाया तो एक काम करते हैं, जूस को लैब ले जाते हैं और टेस्ट करवाते हैं इसका। ध्रुव जी रुकिए, लैब में भेजने की जरूरत नहीं, साबित ही करना है ना, हम ये जूस पीकर साबित करते हैं कि इस पे कुछ नहीं है। खत्म कर लिया है, अगर इसमें जहर होता ना तो अब तक तो हम मर चुके होते। लेकिन देख रही हो ना हमें, हम सही सलामत जिंदा है,
हो गई तसल्ली? हमारा यकीन मानिए माता रानी, हम जानते दीदी नहीं। बस नानी बस, अब और कुछ सहने की हिम्मत नहीं है हमें, बस। इसका मतलब दीदी ने जूस में पपीता मिलाया। पपीता एक प्रेग्नेंट औरत के लिए बहुत हानिकारक होता है और हम अपने बच्चे की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकते। हमें किसी भी हालत में दीदी को इस घर से बाहर निकालना ही होगा। क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों है आप? बेटा हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या हो गया हमारी दोनों बेटियों को। मैंने तो उनसे उम्मीद ही खो दी। बचपन से लेकर आज तक कभी उन्होंने एक दूसरे से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की और आज हम उन दोनों का गुस्सा शांति नहीं हो रहा है। शांत हो जाइए। मम्मी, वक्त और रिश्तों ने हमें सब कुछ समझा दिया है। अगर इंसान से एक बार भी पाप हो जाता है ना, तो उसका प्रायश्चित उसे पूरी जिंदगी करना पड़ता है। और इसीलिए हमने एक फैसला लिया है। हमने तय किया है कि हम आपके साथ वापस आजमगढ़ चलेंगे। हम इस घर में तभी आएंगे जब धानी को बच्चा होगा। शशि तुम्हें नहीं, ध्रुव जी प्लीज प्लीज कुछ मत कहिएगा। पहले ही हमारी वजह से बहुत तमाशा हो चुका है और हम नहीं चाहते कि हम गवाह हो। हम अपना सब कुछ खो चुके हैं, अब हम अपने बहन को नहीं खोना चाहते। हमारे यहाँ से जाने से शायद धानी को तसल्ली होगी और हो सकता है उसे हमारी अच्छाई पर यकीन भी हो जाए। रूप जी, हम अपना बच्चा खो चुके हैं और इसीलिए हम धानी का दर्द और दर्द उन्हें अच्छे से समझते हैं। रूप जी प्लीज, एक रिक्वेस्ट है, हमारे जाने के बारे में प्लीज किसी को मत कहिएगा। बस ये कह दीजिएगा कि हमें अपने पापा ने बुलाया है। बेटा, हमें तुमसे ही इसी समझदारी की उम्मीद थी। हम तो खुद भी तुमसे यही कहना चाहते थे। एक बार फिर हम इस घर से जा रहे हैं ध्रुव जी, लेकिन इस बार इस वादे के साथ कि जब घर वापस आएंगे तो हमारी जड़ें यहाँ से इतनी मजबूत हो चुकी होंगी कि फिर धानी हमें यहाँ से निकाल नहीं पाएगी। ध्रुव जी ये देखिए, जूस में पपीते का बीज है। अब दुनिया यहाँ से वहां हो जाए, माता रानी तो जूस में पपीता नहीं डालेंगी, तो बचा कौन? दीदी, उन्होंने ही मिक्सर चलाया था। धानी, सृष्टि घर छोड़ के जा रही है। क्या? अब तो यकीन हो गया तुम्हें कि इन सब में सृष्टि का हाथ बिल्कुल भी नहीं था? वाकई में कोई इतना चालाक कैसे हो सकता है?
ध्रुव जी, ये सब कुछ दीदी ने ही किया है। अब आप लोगों के सामने अच्छाई का नाटक करने के लिए घर छोड़ के जाने की बात कर रही है वो। धानी, अगर सच्ची नाटक कर रही होती तो घर छोड़ के जाने की बात नहीं करती वो। ध्रुव जी, क्योंकि आप लोगों की धानी, प्लीज, सृष्टि घर छोड़ के आजमगढ़ वापस जाएंगे। प्लीज तुम भी थोड़ा शांत हो जाओ, प्लीज। आओ हमारे साथ। पति पत्नी एक बच्चे के साथ माँ बाप बनते हैं, अपने रिश्ते में एक नई सीढ़ी चढ़ते हैं, सात जन्मों के बंधन को कस के बांध देते हैं। पति पत्नी चाहे किसी भी हालातों में कमजोर पड़ जाए, लेकिन बच्चे अपने माँ बाप को कमजोर नहीं पड़ने देते। एक बच्चा माँ बाप की जिंदगी में नए रंग घोल देता है। और धानी, अगर सच कहे तो हमें बेसब्री से इस दिन का इंतजार था। हम दुनिया के बेस्ट पापा बनना चाहते हैं और यही हमारा सपना है। आपका ये सपना जरूर पूरा होगा ध्रुव जी, आप इस दुनिया के बेस्ट पापा बनेंगे। और धानी, आज के बाद हम अकेले नहीं हैं। हमारा हर एक फैसला इस बच्चे के इर्द गिर्द होगा। कुछ भी करने से पहले हमें इस बच्चे के बारे में सोचना होगा। इसलिए तुम भी सब कुछ भूल जाओ और अब आगे बढ़ो। मिलना है सब कुछ, ना कुछ पाने को बाकी है। तेरा मिलना है सब कुछ, ना कुछ पाने को बाकी है। तुझसे ही सांस आती है, जीने के लिए तू काफी है, जीने के लिए तो काफी है। हो दोबारा प्यार ना होगा, आखिर तुम मोहब्बत हो। बदल में आएगा ना कोई, तुम ही रहोगे, चाहेंगे हम उतना तुमको जितना कहोगे। तुझसे ही सांस आती है, जीने के लिए तो काफी, जीने के लिए तू काफी है। देखो ये फूल ना धानी के इस तरफ लगाना, धानी को ना इन फूलों की खुशबू बहुत पसंद है, अच्छे से करना, ठीक है? जाओ। चलो। नहीं नहीं नहीं, भाभी जी, हम कुछ नहीं सुनना चाहते। आपको गोद भराई में आना ही पड़ेगा, बस हमने कह दिया है ना। हम आपका इंतजार करेंगे, आ जाइएगा। अच्छा, हम क्या कह रहे थे रूपा की वो, ये देखिए जीजी, सब लोग यही पूछ रहे हैं कि हम गोद भराई चौथे महीने पे क्यों कर रहे हैं, सातवें महीने पे क्यों नहीं। मतलब ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? बोलो भाई, हमारे घर की खुशी है, हमारी मर्जी। उनको कहो कि आगे मुहूर्त नहीं है, फिर बड़े दिन शुरू हो जाएंगे, तो इसलिए अभी कर रहे हैं। हाँ जी जी, और वैसे भी चौथे महीने पे धानी कितना इंजॉय करेगी,
उसको भी कितना अच्छा लगेगा नहीं? और क्या? और सातवें महीने पे कितनी दिक्कतें होती है, उठना बैठना कैसे बैठ पाएगी। हमने बहुत अच्छा किया कि चौथे महीने पे गोद भराई कर रहे हैं। हाँ, और इस बहाने घर में थोड़ी खुशियां भी हो जाएंगी है। हाँ जी जी, वो तो है। आपने देखा नहीं, सृष्टि के जाने के बाद धानी कितनी खुश नजर आ रही है ना? ध्रुव और धानी के बीच भी सब अच्छा चल रहा है। बस जी जी, भोलेनाथ करे सब कुछ यूं ही चलता रहे, किसी की नजर ना लगे। बहना पहने गहना, पैरट पूछे कितने कैरेट। अच्छा अब ये कल कल करना बंद करो, झरनों की तरह हमें देखने तो पूजा तैयार हुई कि नहीं। अरे पूजा बहू, धानी तैयार हुई कि नहीं? जी बुआ जी, अब धानी बस रेडी हो रही है। अरे वाह, मतलब आज पार्लर वाले को बुलाया है, मतलब धानी की खूबसूरती पर चार चांद लग जाएंगे। अरे नहीं, कोई पार्लर वाली नहीं आई है, आज हमारे देवर जी खुद अपने हाथों से अपनी बीवी को रेडी कर रहे हैं। क्या? चेहरे पे क्या है? क्या पिंपल, दाग क्या है? नहीं धानी, चेहरे पे चमक है तुम्हारे, तुम्हारे चेहरे पे और भी चमक आ गई है। इसी बात पे तुम्हारे लिए एक शेर पेश करते हैं। यूं ही नहीं है तुम्हारे इश्क में फकीर, एक तो सादगी तुम्हारी, ऊपर से नजरों का दिल। बाबा बाबा। सच बताने, तुम्हारी आंखों का नूर बढ़ गया, तुम्हारे चेहरे की चमक बढ़ गई है, इतनी खूबसूरत लगने लगी हो कि हमारी नजरें तुमसे हटने का नाम ही नहीं ले रही हैं। और अगर सच कहें, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी आने वाले बच्चे की वजह से है। ये तुम्हारे चेहरे की चमक, चेहरे का नूर, हमारा बच्चा लेकर आया। मतलब इससे पहले हम आपको सुंदर नहीं लगते थे, निखार नहीं था हमें? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो कैसी बात है? तो दरअसल पहले भी सुंदर थी, तो अब भी सुंदर, लेकिन जो ये हमारा बच्चा लेकर आया ना चेहरे पे चमक, वो अलग ही है। रहने दीजिए, आप ना फालतू बहाने बना रहे हैं। आपको तब यही लगता है कि जो कुछ भी अच्छा हो रहा है वो सिर्फ हमारे बच्चे की वजह से हो रहा है? हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, हम तो बस वही। इनफैक्ट आपने तो ये तक कह दिया है कि आप हमसे ज्यादा हमारे बच्चे से प्यार करेंगे, मतलब हम तो बर्बाद हो गए। सॉरी धानी, लेकिन क्या करें, हम है ही इतने एक्साइटेड कि बता नहीं सकते। अब पापा बनने की खुशी इतनी है ना हमें, कि उस खुशी को बयान तक नहीं कर सकते। तुम्हें पता, हम घर में सबसे छोटे थे और लाडले थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इस घर में सबसे छोटा कोई आ रहा है जिसे हम लाड देंगे, प्यार देंगे, बिगाड़ देंगे, बता नहीं सकते। वैसे घर में सबसे छोटी तो हमारी प्यारी सी भतीजी है। हाँ वो भी है, इसलिए हम अब दोनों बहनों को एक साथ प्यार करेंगे, एक साथ खिलाएंगे, पिलाएंगे, नहलाएंगे, सब। दोनों बहनों को? आपको लगता है कि बेटी होगी? हाँ। वो कैसे? क्योंकि हम पापा, हमें सब पता, बेटी ही होगी। तुम्हें पता है, जब वो रोएगी ना तो हम उसे संभालेंगे, उसे नहलाएंगे, खिलाएंगे, उसका डायपर चेंज करेंगे, और सच कहें तो उसके बेस्ट फ्रेंड बनेंगे। इतना प्यार करेंगे किसी के पास जाएगी नहीं। वैसे आपने ख्वाब तो बड़े बड़े देख लिए हैं, लेकिन बेस्ट फ्रेंड तो हम ही बनेंगे उसकी। और इतना सब आप काम करेंगे तो ऑफिस कौन जाएगा? ऑफिस? तुम।
ऑफिस तुम जाओगे, हम अपनी बेटी को संभालेंगे, ऑफिस का काम तुम संभाल लेना। वाह जीजी वाह, देखा क्या योजना बनाई है हमारे सपूत ने। सही कह रही हो रूपा, बाप बनने के बाद ना बेटा समझदार होता है, पर हमारे बेटे ने तो निकम्मा बनने की तैयारी कर ली है। वो एक बात बताइए हमें, ये किसने कहा है कि अगर पापा बाहर जा सकते तो माँ बाहर नहीं जा सकती, और अगर माँ घर संभाल सकती है या बच्चों को संभाल सकती है तो पापा नहीं संभाल सकते, ये कहाँ लिखा है? बस 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 मेरे लाडले बेटे, तू ना ज्यादा अपना दिमाग मत चलाया कर। तुझे क्या लगता है हम तुझे ऑफिस क्यों भेजते हैं? काम करने के लिए? नहीं नहीं, वो तो तेरी मर्जी है, हम तुझे घर से बाहर इसीलिए भेजते हैं ताकि हम दोनों का दिमाग शांत रह सके। चलो अब तुम्हारा सब हो गया ना काम, यहाँ पे बाहर निकलो, हमें धानी को तैयार करना है। वाह, उम्र के साथ साथ शायद अभी नजरें कमजोर हो गई, ध्यान से देखे तैयार कर दिया हमने। कितनी सुंदर लग रही है हमारी बेटी, किसी की नजर ना लगे, कहना पड़ेगा तैयार तो बहुत अच्छा किया है। लेकिन अब आपको एक छोटा सा काम दे रहे हैं हम, ये है, ये बच्चों के नाम है इसमें, अब देख लीजिए और तो बता दीजिएगा जो आपको अच्छा लगे। अभी से इतने सारे नाम? जी जी, आपने देखा सारे नाम लड़कियों के हैं, मतलब इन दोनों ने घोषित कर दिया है कि हमारे घर में बेटी आने वाली है, लक्ष्मी जी, है ना? यकीनन। बहना रूपा जी कहाँ है? चलो अब हमें धानी को नीचे ले जाना है, आवाजें लगा रहे हैं। चलो बुलावा आ गया, चलिए चलिए। आप सब लोग बाहर जाइए, ये औरतों का फंक्शन है, हमें गोद भराई की रस्म करनी है, समझे?